स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें कीर्ति लेकर हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर धर्मांतरण से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि एटीएस का धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा, कोडवर्ड में चल रहा था धर्मांतरण का रैकेट, 7 कोडवर्ड के जरिए चल रहा था सारा खेल। एटीएस ने 6 कोडवर्ड को किया डिकोड। मूक बधिर के समान लैंग्वेज पर बात की जा रही थी। कनाडा और कतर से जुड़े हैं रैकेट, इस सिंडिकेट के तार कतर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो एटीएस की बड़ी का हम आपको बता दें कि दोनों आरोपी 7 दिन की रिमांड पर एटीएस के पास थे और आज उनकी रिमांड भी खत्म हो रही है। इसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा, जिसमें 6 दिन से लगातार रिमांड पर बात की जा रही थी। पूछा जा रहा था कि किस किस से ये सिंडिकेट पूरा जो है, जो ग्रुप है इनका, ये पूरा रैकेट है, किस किस से जुड़ा हुआ है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, बड़ी खबर ये सामने आ रही है क्योंकि कोडवर्ड में बात हो रही थी और कतर से भी कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े होने की आशंका मिली है, क्या लगता है अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल कीर्ति, ये पहले से ही अंदेशा जताया गया था यूपीएटीएस के द्वारा कि विदेशी फंडिंग के साथ साथ इस धर्मांतरण के रैकेट का कनेक्शन आईएसआई से भी है। लेकिन एटीएस ने जिस तरीके से कस्टडी रिमांड लेकर जागीर और उमर से पूछताछ करी थी, उसमें उन लोगों ने कई राज उगले हैं, जिसके बाद 3 लोगों की कल गिरफ्तारी भी की दिखाई गई है उत्तर प्रदेश एटीएस की तरफ से। लेकिन मूक बधिर जो छात्र छात्राएं थे जिनका भारी मात्रा पर धर्मांतरण किया गया था, उनकी साइन लैंग्वेज को ये लोग हथियार बनाते थे और कोडवर्ड इस्तेमाल करते थे। ऐसे 7 कोडवर्ड यूपीएटीएस के अफसरों को उनके हाथ लगे, जिसके 6 कोडवर्ड को उन्होंने डिकोड कर दिया है। साथ ही साथ ये भी इन लोगों ने खुलासा किया है कि कनाडा और कतर से इनके तार जुड़े हैं। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत देश तक ही नहीं, ये अब अंतर्राज्यीय मुद्दा होता चला जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जल्द ही यूपीएटीएस की जो जांच है वो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी जा सकती है और वो इस पूरे मामले में जांच करेगा। जो 3 लोगों की गिरफ्तारी कल यूपीएटीएस की तरफ से दिखाई गई है, अब उसमें वो लोग जब रिमांड पर आते हैं और वो किस तरीके के सिंडिकेट का और खुलासा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उमर और जहांगीर की आज रिमांड खत्म हो रही है, आज इन लोगों को वापस। लेकिन शिवा, इन सब के बीच कनाडा और कतर से बिल्कुल तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इन दोनों आरोपियों के लोग जो रैकेट है भारत में कितना फैला हुआ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली कि क्या और भी लोग इस रैकेट में भारत में काम कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जितने भी अलग अलग राज्यों में यूपीएटीएस की टीमें गई है, वो सबसे ज्यादा पुख्ता करना चाहती है सबूत। अगर सबूत उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस रैकेट से जुड़े हुए अगर उनके पास आते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां जरूर की जाएंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए एटीएस ने अपने मुख्यालय बुलाया था और उनसे पूछताछ की है। हालांकि अफसरों का कहना है कि अगर उनके खिलाफ अगर उन्हें पक्का सबूत मिले तो उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि भारत देश के अंदर रह करके इस धर्मांतरण के रैकेट को बड़े शातिराना तरीके से चला रहे थे। तो यूपीएटीएस ये हर फूंक करके कदम रखना चाहती है कि जिसकी भी वो गिरफ्तारी करे उसके खिलाफ साक्ष्य हो, ताकि कोर्ट में उस केस को स्टैंड किया जा सके और जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाए वो एकदम पुख्ता जरूर हो। बहुत जरूरी है शिवा ये करना। साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया। तो एटीएस ने 6 कोडवर्ड डिकोड कर लिए हैं, 7 कोडवर्ड मिले थे, मूक बधिरों के समान ये लोग तमाम बातें कर रहे थे, जिसके चलते ये जो रैकेट है वो उसको जो तार है अब विदेशों से भी जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि कनाडा और कतर के तार जो है इस रैकेट से जुड़े हुए सामने आए हैं। तो अगली कदम क्या उठाती है एनआईए को जांच सौंपी जाती है, इस पर भी देखने वाली बात होगी। वही नई दिल्ली में यूपीएससी की मीटिंग में आज यूपीएससी के साथ यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की मीटिंग आज है। डीजीपी की दौड़ में मुकुल गोयल, डॉक्टर आरपी सिंह सबसे आगे, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान और आनंद कुमार की भी चर्चा। तो बता दें आपको, यूपी के अगले डीजीपी की दौड़ का आखिरी राउंड है, यानी कि यूपी के डीजीपी एससी उनका आज रिटायरमेंट हो रहा है 30 तारीख को, माफ कीजिएगा, जिसको लेकर अब नए डीजीपी किसे नियुक्त किया जाए इसके लेकर नामों की चर्चा फिर तेज हो गई है। इस खबर पर इस वक्त शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, कई नाम सामने आ रहे हैं, मीटिंग में आज फाइनल हो जाएगा कि कौन नया डीजीपी होगा। ठीक है, आरके विश्वकर्मा, डीएस चौहान, आनंद कुमार भी इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। तो यूपी के अगले डीजीपी की दौड़ का आखिरी राउंड यूपीएससी की मीटिंग में आज बनेगा फाइनल पैनल।
वहीं इस खबर पर संवाददाता शिवा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, क्या लगता है, मुकुल गोयल को आप बता रहे थे जिस तरह से कि इस दौड़ में सबसे आगे वही है इस नामों की चर्चा में, लेकिन इसके साथ साथ कई नाम भी साथ ही साथ नजर आ रहे हैं सामने, तो क्या लगता है आज यूपीएससी की मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो तय है कि आज यूपीएससी की दिल्ली के अंदर बैठक होनी है, उसमें तमाम बड़े अफसर उस बैठक का हिस्सा भी होंगे। क्योंकि मुकुल गोयल का नाम सबसे पहले दौर पर इसलिए चल रहा है कि जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई थी तो उसने वरिष्ठता के आधार पर यूपीएससी के पैनल ने जो नाम तय किया था हितेश चंद अवस्थी का, 1985 बैच के जो आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम सजेस्ट किया ना, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने बिना किसी को सुपरसीड किए एससी अवस्थी पर मुहर लगाते हुए उनको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया था। इस बार चूंकि कल के 30 जून को वो रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि मुकुल गोयल ही एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर है जो 1987 बैच के हैं, हालांकि वो अभी यूपी कैडर पे वापस नहीं किए हैं, अभी बीएसएफ में वो एडीजी के पद पर है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे आगे हो सकते हैं, चाहे वो डीजी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड हो, आरके विश्वकर्मा, आनंद कुमार जो डीजी जेल है, डीएस चौहान जो डीजी इंटेलिजेंस है उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही साथ बहुत एक पसंदीदा नाम आता है डीएस चौहान का, क्योंकि डीएस चौहान को हाल ही में केंद्रीय प्रतिनिधित्व से यूपी कैडर पर लाया गया है और उनको डीजी इंटेलिजेंस का पद दिया गया है। तो मुकुल गोयल के साथ साथ एक राजकुमार विश्वकर्मा और डीएस चौहान का नाम भी सबसे ऊपर है, जो वरिष्ठता के आधार पर भी है और उनकी जो इंटेलिजेंसी है, जो काम करने का तरीका है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की डीजीपी का पद जो है वो कल खाली हो जाएगा दोपहर के बाद से। एक दो दिन की प्रक्रिया कीर्ति जरूर लगती है क्योंकि डीजीपी बनना है, और ये जरूर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ खुद डिसाइड करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का डीजीपी किसको बनाना है। एक दो दिन की जरूर, ये कहा जा सकता है कि वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे तमाम 4 से 5 नाम जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि यूपीएससी किस पर मुहर लगाता है और मुख्यमंत्री किसे फाइनल करते हैं, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपीएससी की यूपी के चीफ सेक्रेटरी के साथ आज मीटिंग है जिसमें डीजीपी के नाम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि डीजीपी की दौड़ में मुकुल गोयल जो है वो सबसे आगे इस वक्त, उनकी नाम की चर्चा हो रही है, लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे नाम हैं जिनकी भी चर्चाएं तेज हैं। तो देखना अहम होगा कि यूपीएससी की इस मीटिंग में जिसमें यूपी के चीफ भी शामिल हो रहे हैं, उसके बाद डीजीपी नया किसे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि आखिरी मोहर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ही लगाई जाएगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपका ही मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।